सभी गाड़ियों पे जो भी पोस्टर बैनर लगाए हुए हैं उन सब के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और आज से एक मैसेज आप लोगों की तरफ से भी रहे कि जिनकी गाड़ियों पे है, अभी हम लोगों ने कुछ गाड़ियों से उतरवाया है, तो सभी के साथ एक जैसा व्यवहार रहेगा, किसी भी पार्टी का हो। नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तिथियां घोषित हो चुकी हैं। 5 राज्यों के 690 विधानसभा सीटों पर करीब 18 करोड़ 34 लाख मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। वहीं बात करें यदि जनसभाओं की, रैलियों की, रोड शो की, तो 15 जनवरी तक इन सब पर पूर्णतः रोक है। 15 जनवरी के बाद यह निर्णय लिया जाएगा कि क्या रैली होगी या नहीं होगी। आपको यह भी बता दें कि जो घर घर प्रचार किया जाता है उसमें भी केवल 5 लोगों की ही अनुमति है। उत्तर प्रदेश में भी 7 चरणों में चुनाव होगा। 10 फरवरी से मतदान शुरू हो जाएगा और नतीजे 10 मार्च को आएंगे, यानी 10 मार्च को उत्तर प्रदेश को अपना नया मुख्यमंत्री मिल सकता है। पहले चरण में शामली, मेरठ, हापुड़, मुजफ्फरनगर, बागपत, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, आगरा, गौतम बुद्ध नगर और मथुरा में 10 फरवरी को होगा मतदान। वहीं दूसरे चरण में सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, बरेली, रामपुर, संबल, बदायूं और शाहजहांपुर में 14 फरवरी को होगा मतदान। बात यदि तीसरे चरण की करें तो हाथरस, कासगंज, एटा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर, कानपुर देहात, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी और ललितपुर में 20 फरवरी को होगा मतदान। चौथे चरण में यानी 23 फरवरी को पीलीभीत, खीरी, सीतापुर, लखनऊ, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर और बांदा में होगा मतदान। बात यदि पांचवें चरण की करें यानी 27 फरवरी को श्रावस्ती, बहराइच, बाराबंकी, अयोध्या, अमेठी, सुल्तानपुर, गोंडा, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज और चित्रकूट में होगा चुनाव। छठवें चरण में बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर, बलिया, महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर और देवरिया में 3 मार्च को होगा मतदान। वहीं 7 मार्च को पूर्वांचल की सबसे महत्वपूर्ण सीटों पर 7वें चरण में चुनाव होगा, जिसमें मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र और भदोही आते हैं। जैसे ही चुनाव की तिथियों का ऐलान हुआ, वैसे ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण जगह जगह पर राजनीतिक दलों के जो बैनर पोस्टर लगे थे वो हटाए जाने लगे। आज से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और ये पूरे जिले में जो भी राजनीतिक पार्टियां अपने पोस्टर बैनर सरकारी संपत्तियों पे, चाहे वो खंबा हो, स्कूल हो या कोई भी सरकारी आवास हो, सभी जगह से पोस्टर बैनर हटवाए जा रहे हैं और इसके बाद जो भी इसका उल्लंघन करेगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सभी गाड़ियों पे जो भी पोस्टर बैनर लगाए हुए हैं उन सब के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और आज से एक मैसेज ये चले आप लोगों की तरफ से भी रहे कि जिनकी गाड़ियों पे है, अभी हम लोगों ने कुछ गाड़ियों से उतरवाया है, तो सभी के साथ एक जैसा व्यवहार रहेगा, किसी भी पार्टी का हो, वो गाड़ी में पोस्टर बैनर लगा के नहीं चलेगा, अगर चलेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई। आचार संहिता लागू हो गई और गाजीपुर सुर्खियों में ना रहे, ये हो ही नहीं सकता। जी हाँ, ताजा खबर तो सैदपुर से है। सैदपुर के विधायक सुभाष पासी द्वारा सैदपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक ऑक्सीजन प्लांट लगवाया गया। उसका उद्घाटन अब तक नहीं हो सका था। उद्घाटन के पहले वह ऑक्सीजन प्लांट खराब भी हो गया था। आचार संहिता लगने के डर से विधायक सुभाष पासी ने अपने बेटे के द्वारा ही उस ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करवा दिया। जी हाँ, ये वही विधायक है जो पहले समाजवादी पार्टी में थे, अब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। बात केवल सैदपुर की नहीं है, कासमाबाद में भी कुछ ऐसा ही हुआ। गाजीपुर के कासमाबाद में बलिया के सांसद वीरेन सिंह मस्त ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्थापित ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। यह उद्घाटन भी आचार संहिता लगने से ठीक पहले कर दिया गया, क्योंकि आचार संहिता लगने के बाद किसी भी कार्य का उद्घाटन नहीं हो सकता था।
बात यदि जमनिया विधानसभा क्षेत्र की करें तो जमनिया विधानसभा क्षेत्र में 12 के पास एक पीपा पुल का निर्माण हो रहा है गंगा नदी पर। उस पीपा पुल का निर्माण कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन उसका उद्घाटन विधायक सुनीता सिंह द्वारा कर दिया गया। उस पीपा पुल को लेकर बवाल भी हुआ था, आरोप लगा था कि समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह द्वारा निर्माण कार्य रुकवाया जा रहा है। वही ओम प्रकाश सिंह के सहयोगियों द्वारा ये दिखाया गया कि पीपा पुल में जिस लकड़ी का इस्तेमाल हो रहा है वो लकड़ियां सड़ी हुई हैं। जमनिया विधायक सुनीता सिंह द्वारा 12 में गंगा नदी के ऊपर 1 करोड़ रुपए की लागत से पीपा पुल का निर्माण कार्य शुरू करवाया गया। आचार संहिता लगने के डर से आनन फानन में इस पुल का उद्घाटन भी कर दिया गया। आरोप लगा कि इस पुल का निर्माण अभी पूर्ण नहीं है, उसके पहले ही इसका उद्घाटन कर फीता काट दिया गया। आरोप यह भी लगा कि यह पुल समाजवादी पार्टी के सरकार के समय की है, जिसका श्रेय भाजपा ले रही है। उद्घाटन तो विधायक सुनीता सिंह ने गहमर में बने नवनिर्मित नाले का भी किया था, लेकिन अराजक तत्वों द्वारा वहां लगे शिलापट को तोड़ दिया गया। बताया जा रहा है कि विभाग ने इसकी शिकायत अब तक पुलिस में नहीं की है। जमनिया विधायक सुनीता सिंह ने जमनिया के चक्का बांध में भी 81,79,00,000 रुपए के कार्यों का लोकार्पण किया। बताया जा रहा है कि इस बजट से पंप हाउस के डाउन स्ट्रीम और बोर्डर पैचिंग का कार्य करवाया गया है, जो कटान निरोधक साबित होगा। विधायक सुनीता सिंह ने कहा, यह कार्य मैंने जनता को समर्पित कर दिया है। कोरोना की तीसरी लहर का असर साफ दिखाई दे रहा है। देश में अब तक करीब 1,42,000 कोरोना संक्रमित मरीज पाए जा चुके हैं। बात यदि गाजीपुर की करें तो गाजीपुर में 87 कोरोना संक्रमित पाए जा चुके हैं। देखने वाली बात यह है कि चुनाव आयोग कोरोना को देखते हुए किस तरह से चुनाव करवाएगा, क्या 15 जनवरी के बाद भी रैलियों पर रोक लगी रहेगी या नहीं लगी रहेगी, यह देखने वाली बात होगी। तब तक आप देखते रहिए एबीटी न्यूज। धन्यवाद। यदि एबीटी न्यूज की खबरों को देखकर आपको ऐसा प्रतीत होता है कि हम जन समस्याओं को उठाते हैं, हम आपको सही खबरें दिखाते हैं, निष्पक्ष खबरें दिखाते हैं, सच्चाई दिखाते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें और जागरूक बन सकें। और अगर अच्छा लगे तो लाइक तो जरूर करें।